हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और बजे अभी सुबह के कितने बजे गए, 6:30। पूरा आज मैं साफ़ कर रही हूँ ये निकाल के, बहुत ज़्यादा घास कलाई। और इसमें देखे, मतलब भाई ने बोला था 12 महीने, लेकिन ये जो इसमें सफ़ेद फूल के लिए बोला था, पूरा सूखने लगा है धूप की वजह से। सारी से पतझड़ ऋतु की वजह से पत्ते भी बहुत गिर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से इतना साफ़ किया, पूरा निकाल कर पूरा। ये देखिए, इस ये है ना, आप इसको फिर बीज लगा देंगे ना, सूख जाएगा तो ये इसके बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। और सेवंती में भी, सेवंती जैसे सीजनल है लेकिन इस तरह से आते रहते हैं। इसके पास में देखो छोटा सा ये पौधा निकला है, छोटा सा इस तरह से। तो ये फिर फूल तो सीजन में ही आता है लेकिन मरता नहीं है, मतलब आता रहता है इस तरह से। ये सब साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आसपास में इस तरह से घास उग जाती है तो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। ये पूरा टाइम टाइम पर ये सारी सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसको पूरा अच्छे से ऐसे, मतलब जड़ में से निकालें इस तरह से, पूरा अच्छे से। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये पूरा निकलना चाहिए अंदर से। ये हीरा इसमें भी है, ये मोगरे की बेल है, इसमें देखिए फूल आ रहे हैं बेल में, इतने इस बार अच्छे फूल आ रहे हैं। और इस साइड में देखा, दूसरे भी निकले छोटे छोटे से प्लांट। इसके पानी डालना पड़ेगा, सूख गए सारे अच्छे से। ये देखिए, इस बार मतलब इतनी धूप, अप्रैल स्टार्ट हो गया है महीना, तब भी इस पे सेवंती पे फूल आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब वरना नहीं आते, जैसे ही धूप स्टार्ट होती है ना, फूल आना बंद हो जाता है, लेकिन इस बार आ रहे हैं एकदम अच्छे से। ये रहे इसमें, मतलब मेरे इस बार सारे सीजनल प्लांट्स चल रहे हैं अभी तक। शायद बीच में मैंने खाद वाद सब अच्छे से डलवाई थी, तो उसकी वजह से इस तरह से देखो पूरा जड़ से निकाले, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम में तो ये निकल ही जाते और आ ही जाते। ये एक दिन अगर टाइम नहीं मिले, पानी नहीं डालो, तो ये देखो कैसी हालत हो जाती है। धूप बहुत धूप है ना, सारे सारे गमले भी ऐसे हो गए सब। इसकी जो घास है वो भी साफ़ करनी है, और ये पत्ते जो इस तरह से गिर गए पूरा अच्छे से उसकी। ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये कितना सुंदर लगता है। अजवाइन भी अच्छा है, मतलब बहुत ही अजवाइन का भी अच्छा ग्रोथ है। कड़ी पत्ता एकदम मस्त अच्छे से पूरा और फैल गया है, और इसको आज पानी डाल के एकदम अच्छे से सारे प्लांट्स को धोऊंगी। और ये देखिए फूल सूख गए, ये ऑरेंज कलर वाले, इसको भी पूरा। ये जो सूख जाते हैं ना साइड में, ये दूसरे दूसरे भी उगते रहते, तो जो इस तरह से सूख गए उनको भी निकाल कर काट के, तो भी सुंदर लगते हैं हमारे प्लांट्स। तो सब पर पूरा पीले फूल में भी, ये देखिए अभी ऐसे ऐसे पूरा कितने सूख गए, और नई नई कलियाँ आती रहती है, लेकिन वो पुरानी होती है ना, वो इस तरह से हो जाता है, गिर जाते फिर। पूरा अच्छे से सब साफ करना, बहुत प्यारे लगते हैं ये, गर्मियों में ही ज़्यादा आते हैं ऑरेंज कलर वाले फूल, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। बस अच्छे से साफ करके आई पूरा, और अब हाँ हाँ धीमी करूँ छू। ये पिनल देखो उत्साही बोल, मैं डालूँगी पानी। पूरा वहाँ कोने में था ना, तो अच्छे से दिख नहीं रहा था, मतलब फैला फैला सा, अभी एकदम अच्छे से लगने लगा है। दोनों पाम मतलब बीचों बीच ले लिए,
और ये गुलाब देखिए, इस बार बहुत दिन रहा, सूख गया है अब, मतलब ऐसे टच करो तो पंखड़ियाँ, दो तीन पंखड़ियाँ गिर, ये देखो ऐसे गिरने लग गई है। पिनल को ऑफर कर रही हूँ लगा ले, तीन पत्तियाँ हैं पिनल, तीन पत्ती का कुछ नहीं कर सकती, ये देखो।